Hello student, in this video we are going to discuss chapter number 7 of class 8th. Question number 3. Find the smallest number by which each of the following numbers must be divided to obtain a perfect cube. अब हमें इस question में क्या find करना है कि कौन सा ऐसा smallest number है, ठीक है, जिसको हम लोग divide करें तो हम लोग को क्या मिले, perfect cube मिले. तो अब हम लोग आते हैं पार्ट वन पे. पार्ट वन में मैं दिया है 81, ठीक है. अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे. सबसे पहले 81 का क्या करेंगे, हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. क्या कर रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन. ओके, तो हम लोग इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. तो यहाँ आएगा 3, यहाँ आ जाएगा 27, फिर 3 9 ज़ 27, 3 3 ज़ 9 एंड देन 3 1 ज़ 3. तब 81 हमारा किसके इक्वल हो गया, 3 × 3 × 3 × 3, 1 2 3 4. तो यहाँ पर क्या आ गया, ये भी 3, ये भी 4 बार आ गया, 3 × 3 × 3 × 3, ठीक है. अब यहाँ पर जो है 3 का सिंगल ट्रिपलेट बन रहा है, ठीक है, और इस 3 का तो ट्रिपलेट बन नहीं रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 81 को 3 से डिवाइड कर देंगे. जब हम लोग 81 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो भी नंबर आएगा वो क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब हो जाएगा. यहाँ पर 3 क्या हो गया, स्मॉलेस्ट परफेक्ट क्यूब, ठीक है. यहाँ पर हमारा 3 क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर है जो कि क्या बना रहा है, परफेक्ट क्यूब बना रहा है. तो अब हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, हेयर 3 कैन नॉट बी ग्रुप्ड इनटू ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वल फैक्टर. Therefore, we will divide 81 by 3 to get perfect cube. Okay. अब हम लोग आते हैं next part पे, part 2. इसमें क्या दिया है, 128, ठीक है. अब हम लोग क्या करेंगे, 128 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. जब हम लोग 128 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो 2 यहाँ आ गया, 2 6 ज़ 12, 2 4 ज़ 8, फिर यहाँ आ गया 2 2 3 ज़ 6, 2 2 ज़ 4, यहाँ 2, यहाँ आ गया 2 1 ज़ और 2 6 ज़, 2 8 ज़, 2 4 ज़ 2 2 ज़ 2 1 ज़, ठीक है. अब हमें यहाँ, अब हम लोग क्या करेंगे, 128 को किसके इक्वल करेंगे, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2. कितने बार 2 लिखा है, 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7, 1 2 3 4 5 6 देन 7. ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका ट्रिपलेट देखेंगे. तो यहाँ पर ये तो हमारा सिंगल ट्रिपलेट है, ये भी हमारा ट्रिपलेट है, ठीक है. अब यहाँ पर ये दो ट्रिपलेट हमारे बन गए, ठीक है. अब यहाँ पर एक 2 बच रहा है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 2 को 128 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है. तो हमारा क्या मिल जाएगा, स्मॉल, ये क्या हो जाएगा, 2 हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर जो कि क्या दे रहा है हमें, परफेक्ट क्यूब दे रहा है. हेयर 2 कैन नॉट बी ग्रुप्ड इनटू ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स
ओके सो देयरफॉर वी विल डिवाइड 128 by 2 to get perfect square. Sorry, to get perfect cube. Okay, now let's come on first part number 3. Part 3 mein kya diya hai hame? 135 दिया है. अब हम लोग 135 पर क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. 135 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, तो आ गया 3, यहाँ आ गया 4 और 5, फिर 3, यहाँ आ गया 15, यहाँ आ गया 3, 5 1, तो 135 किसके इक्वल हो गया? 3 × 3 × 3 × 5. ठीक है, अब यहाँ पर जो 3 है, 3 का सिंगल ट्रिपलेट बन रहा है, यहाँ पर क्या बच रहा है? 5 बच रहा है, तो 5 से हम लोग 5 से क्या करेंगे? 135 को डिवाइड कर देंगे, तो जो 5 होगा वो स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो कि हमें क्या देता है? परफेक्ट क्यूब देता है. ठीक है, अब हम इसे कैसे लिखेंगे? हेयर 5 cannot be grouped. Into triplets of equal factor. Okay, therefore we will divide 135 by 5 to get a perfect cube. To get a perfect cube. Okay, अब हम आते हैं part 4 पे. Part 4 में हमें क्या दिया है? 192. ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 192 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. ठीक है, हमारे पास क्या आएगा? 192 2 या 9 या आएगा 6, फिर 2 से ले जाएंगे या आएगा 4 और 8, फिर 2 से करेंगे आएगा 24, फिर 2 से करेंगे या आएगा 12, फिर 2 से करेंगे या आएगा 6, अगेन 2 से करेंगे या आएगा 3, फिर 3 × 1. अब क्या हो गया? 192 हमारा किसके इक्वल हो गया? 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3. तो कितने बार है? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, और एक बार 3 है. यहाँ पर ये सिंगल ट्रिपलेट, फिर ये दूसरा, दो ट्रिपलेट बन गए, और यहाँ पर ये 3 बच रहा है. अब हम लोग क्या करेंगे? 3 को 129 से डिवाइड कर देंगे. जब हम लोग 3 को 129 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? परफेक्ट क्यूब मिलेगा. ठीक है, अब हम इसे कैसे लिखेंगे? हेयर 3 कैन नॉट बी ग्रुप्ड into triplets of equal factor. Therefore, we will divide 192 by 3 to get perfect cube. ओके, अब हम लोग आते हैं इसके लास्ट पार्ट पे. क्या दिया है? 704.
अब 704 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 704 तो यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 352, फिर से 2 से ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 176, फिर से 2 से करेंगे यहाँ आ जाएगा 88, फिर से 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 44, फिर से 2 से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 22, फिर से 2 से करेंगे नहीं अब क्या करेंगे 1 और 1 यहाँ आ गया, ठीक है अब ये आ गया 11, 1 जा 11, ठीक है। अब 704 किसके इक्वल हो गया, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 11, 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ओके। अब हम देखेंगे ये किसके कितने ट्रिपलेट में है, ये सिंगल ट्रिपलेट, फिर ये डबल ट्रिपलेट बन गया, क्या बच रहा है यहाँ पर 11, तो हम लोग 704 को किससे डिवाइड करेंगे 11 से, तो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो गया जो हमें परफेक्ट क्यूब देता है, वो हो गया 11, ठीक है। तो क्या करेंगे अभी हम लोग क्या लिखेंगे, हेयर 11 कैन नॉट बी ग्रुप्ड इंटू ट्रिपलेट ऑफ इक्वल फैक्टर्स, देयरफोर वी विल डिवाइड 704 बाय 11 टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।